दर्शकों, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह उचके हैं। आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह नीच का होता है। आज हम आपको बताएंगे कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच का होता है। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी 7 अंक लिखा हुआ है और वहाँ सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो समझ लो वो नीच के हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। यदि आपके जन्म कुंडली में किसी भी भाव में 8 का अंक लिखा हुआ है, 8 अंक है तो वो चंद्रमा और बैठा हुआ है तो चंद्रमा नीच के होते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच का होता है। यदि आपके जन्म कुंडली में 4 अंक लिखा है और वह मंगल ग्रह मौजूद है तो आप समझ लीजिए कि मंगल ग्रह नीच का है। मीन राशि में बुध ग्रह मीन राशि में नीच का होता है। यदि आपके जन्म कुंडली में कहीं भी 12 अंक लिखा हुआ है, मीन राशि में बुध नीच का होता है। गुरु ग्रह मकर राशि में नीच के होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी 10 अंक लिखा हुआ है और वहां गुरु ग्रह मौजूद है तो गुरु ग्रह नीच के समझे जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में 6 अंक लिखा हुआ है और शुक्र ग्रह वहां स्थित है तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह आपका नीच का है। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में 1 अंक लिखा हुआ है और शनि ग्रह मौजूद हैं यानी स्थित हैं तो शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। इस तरह आप अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए और आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है। पिछली वीडियो में हमने आपको उच्च के ग्रह के बारे में बताया था और इस जन्म कुंडली में हमने आपको नीच ग्रह के बारे में बताया है।